आस्था का महापर्व छठ शांतिपूर्ण एवं भक्ति भाव से हुआ संपन्न। आस्था का महापर्व सौहार्दपूर्ण तथा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। इस अवसर पर आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों घाटों एवं तालाबों के किनारे में छठ व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी तथा उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित की। शनिवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्यदेव को पहला अर्घ्य अर्पित किया तथा दूसरे दिन रविवार की सुबह उदयमान भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ्य अर्पित। 36 घंटे निर्जला उपवास के बाद दूसरा अर्घ्य अर्पित किए जाने के साथ ही महापर्व छठ हर्षोल्लास पूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। वहीं छठ घाट में स्वच्छता अभियान को लेकर एक दीप स्वच्छता की जलाई गई व स्वच्छता का संदेश दिया गया। आजमनगर के चंडी पोखर छठ घाट में छठ पूजा समिति के अध्यक्ष बबलू मंडल, सचिव बाबुल रजक व रंजीत कुमार, राकेश पौदार, प्रेम पौदार, चुन्ना पौदार, अमित यादव, शनि आलोक आदि सदस्यों के द्वारा चंडी काली स्थान छठ घाट में विशेष सजावट की व्यवस्था की गई थी। वहीं खुरियाल शिव मंदिर छठ घाट, आजमनगर महानंदा छठ घाट में सबसे ज्यादा छठ व्रतियों की भीड़ नजर आई। इस बाबत प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। बीडीओ हिमांशु भूषण ठाकुर, थाना अध्यक्ष मनीष कुमार दलबल के साथ छठ घाटों का भ्रमण करते देखे गए। साथ ही प्रखंड क्षेत्र के सभी छठ घाटों में दंडाधिकारी सहित पुलिस बल तैनात भी किए गए।